सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग नगरी उज्जैन में श्रावण भादो महीना, कार्तिक अघन महीना, बैकुंठ चतुर्दशी और दशहरा पर्व पर हर साल बाबा महाकालेश्वर भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी तरह बाबा महाकाल के बाद माता सती के देह की रक्षा में तत्पर काल भैरव और सभी अष्ट भैरव का विधि से पहले पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें से हर साल में दो बार नगर भ्रमण पर काल भैरव निकलते हैं। एक फूल ढोल ग्यारस पर, एक भैरव अष्टमी पर। परंपरा का निर्वहन करते हुए शासन द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह ने विधि पूर्वक बाबा काल भैरव का पूजन अभिषेक कर बाबा को नगर भ्रमण के लिए विदा किया। तो वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही सवारी मार्ग में भी बदलाव किए गए। दरअसल हर साल भैरव अष्टमी के दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बाबा काल भैरव, आताल पाताल भैरव, बटुक भैरव एक साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं और यह परंपरा महाभैरव के जन्मोत्सव के दूसरे दिन निभाई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगता है। वहीं पौराणिक मान्यता के मुताबिक उज्जैन में अष्ट भैरव विराजमान है, जिनमें काल भैरव, भैरवगढ़ क्षेत्र, आताल पाताल, महाभैरव, सहपुर क्षेत्र, विक्रांत भैरव, ओकरेश्वर शमशान, बटुक भैरव, चक्रतीर्थ, आनंद भैरव, रामघाट, क्षेत्रपाल भैरव, सिंहपुरी क्षेत्र, कुटुंबकेश्वर महादेव मंदिर परिसर, गौरा कला भैरव, गढ़ कालिका, दंडपाड़ी भैरव, कालिदास उद्यान। देखिए, जो उज्जैन की बहुत पुरातन परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, जिसके तहत बाबा काल भैरव की सवारी निकलती है, तो कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए और कुछ लिमिटेशंस के साथ में आज ये सवारी निकल रही है, लेकिन परंपरा का चूँकि पालन करना था तो यथावत विधि विधान से पूजन भी हुआ है। रूट को जरूर हमने थोड़ा संक्षिप्त किया है, लेकिन पूरी परंपरा को ऐश्वर्य के साथ में यहाँ पर निकाला जा रहा है। और साथ में हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मदिरा का भोग लगता था उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी, तो बहुत जल्दी ही आज या कल में ही निर्णय लेकर इसका भी हम लोग कोई तरीका निकालेंगे, जिससे कि मदिरा का भोग बाबा के ऊपर पूरी तरीके से विधिवत तरीके से लगाया जा सके। काल भैरव चूंकि सेनापति है महाकाल के, उज्जैन का जो विस्तारीकरण हो रहा महाकाल मंदिर का, तो यहाँ के लिए भी कुछ योजना? देखिये, स्मार्ट सिटी में यहाँ के लिए भी हम लोगों ने योजना जो है वो लाई है और पूरा प्लान भी लगभग तैयार हो गया है, DPR बननी तैयार भी हो गई है, और पहले एक जो वाटर चैनल चारों तरफ बनता है उसको भी पुनर्जीवित किया जाएगा। सामने की तरफ जो पार्किंग का स्पेस है और पूरा का पूरा जो फ्रंट का भाग है वो अभी उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का होना चाहिए, तो हम लोग उसको एक अन्य स्तर पर लेके जाएंगे, बहुत अच्छे सौंदर्यीकरण के साथ में, धार्मिकता के साथ में उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। अंदर भी जो ये कोर्टयार्ड पड़ा हुआ है जिसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसको भी सुधार के और इसके साथ साथ इसका विस्तार भी।
सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।